हरियाणा का जो वाले बैठे हैं, पंजाब का भाई बैठे हैं, हमारी पहचान। लेकिन अब इन्हें जाति पाति करके एक दूसरे को दुश्मन बना दिया। मुझे सबकी तकलीफ है, इसलिए सब लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। 16 तारीख दिन चार है, पूरी ताकत से नतमस्तक हो गए। तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे, MSP गारंटी देनी पड़ेगी, इज्जत के साथ किसान भाई विदाई होगी। दुष्यंत भी कह रहे थे भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा, उस भाई भी मैं कहा भाई मौका पड़ा ही वो चिट्ठी दे दे तेरी हम पूछा देगा। ये तो नकली ड्रामा कर रहे हैं, हम और सब मिलकर छत्तीस राज्य से भाई मिलकर असली प्रैक्टिकल में रामराज स्थापित करेंगे। हरियाणा का जो वाले बैठे हैं, पंजाब का भाई बैठे हैं, हमारी पहचान थी। लेकिन अब इन्हें जाति पाति करके एक दूसरे को दुश्मन बना दिया, इसलिए नफरत को खत्म करके पुनः भाईचारा समर्थ एक शक्तिशाली भारत में अपना योगदान हो। और वह 16 तारीख दिन चार है, पूरी ताकत से प्यारा रिश्तेदार पड़ोसी हर टोल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टोल ऐसी कोई खाप राजू भाई आप लोग चिट्ठी पूछा रहे, मैं व्यक्तिगत जाके भी परसों आपने देखा होगा बादल इसमें कोसले के अंदर भी जो हमारे राव साहब भाई हैं वो सोच रहे थे कि ये आंदोलन कुछ विशेष वक्त का। अभी जो बाजरे की जो MSP वाली जो बात है ना, सो जो 2250 का भाव दिखा के और दुष्यंत भी कह रहे थे भाई मैं अगर MSP रहेगी है जारी रहेगी आगे भी पहले थी मैं इस्तीफा दे दूंगा, उस भाई भी मैं कहा भाई मौका पड़ा ही वो चिट्ठी दे दे तेरी हम पूछा देगा। क्योंकि वो 1000 रुपये रुल रहा है, आप कह रहे हो 23 में तो कम होता है, महेंद्रगढ़ बहनी में बाजरे खेती ज्यादा होती है। तो राव साहब समझ भाई बहन लुट गया, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी चौधरी इंद्रजीत ने बयान दिया कि बाजरे ही खरीद होगी, लेकिन मैं नहीं लगती बाजरे ही खरीद होगी। उन लोगों को भी अब महसूस आया, मैंने तो पहले भी कहा था मुझे सबकी तकलीफ है, इसलिए सब लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो वह भाइयों ने भी शहर समाना शुरू कर दिया, दक्षिण हरियाणा जो रेवाड़ी कोसले वाले जो अपने राव साहब है महेंद्रगढ़ तक के, वो भी इस पंचायत के अंदर शामिल होंगे। पूरी सरकार नतमस्तक हो गए, तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे, MSP गारंटी देनी पड़ेगी, इज्जत के साथ किसान भाई विदाई होगी। इसलिए 16 तारीख को बहन मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है, आपका जो प्रभाव है उस प्रभाव का बहन मैं यहाँ सदुपयोग देखना चाहता हूँ समाज की भलाई के लिए। सारे भाई मिलकर एक बेहतरीन व्यवस्था बनेगी और ये प्रदेश और देश प्रोग्रेस करेगा और भाईचारा एकजुट के रामराज की स्थापना होगी। तो नकली ड्रामा कर रहे हैं, हम और सब मिलकर छत्तीस राज्य से भाई मिलकर असली प्रैक्टिकल में रामराज स्थापित करेंगे। इसलिए मैं भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ इसमें शामिल होने के लिए। हरियाणा का जो वाले बैठे हैं, पंजाब का भाई बैठे हैं, हमारी पहचान। लेकिन अब इन्हें जाति पाति करके एक दूसरे को दुश्मन बना दिया। मुझे सबकी तकलीफ है, इसलिए सब लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी। 16 तारीख दिन चार है, पूरी ताकत से नतमस्तक हो गए, तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे, MSP गारंटी देनी पड़ेगी, इज्जत के साथ किसान भाई विदाई होगी। दुष्यंत भी कह रहे थे भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा, उस भाई भी मैं कहा भाई मौका पड़ा ही वो चिट्ठी दे दे तेरी हम पूछा देगा। ये तो नकली ड्रामा कर रहे हैं, हम और सब मिलकर छत्तीस राज्य से भाई मिलकर असली प्रैक्टिकल में रामराज स्थापित करेंगे।